बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर रशीद, आपको हमारे अलबाब ट्रैवल एंड टूर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि सऊदी अरब का वर्क वीज़ा ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अब कुछ तब्दीली की है कि ऑनलाइन वीज़ा आप कैसे चेक करते हैं। वेबसाइट वही है लेकिन उसमें कुछ लिंक ऐड कर दिए हैं, कुछ और चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि उनसे वो चेक नहीं हो रहा। तो सऊदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सिस्टम को अपडेट कर दिया है। मैंने फिर इसी हवाले से एक लास्ट वीडियो बनाई है, कल वीडियो जो बनाई है वो अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि सऊदी अरब का वर्क वीज़ा जो है वो ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यू सिस्टम के मुताबिक जो सऊदी गवर्नमेंट ने सिस्टम अपडेट किया है, उस सिस्टम के मुताबिक आप अपना ई नंबर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसके मुताबिक काफ़ी लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो चेक नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको न्यू सिस्टम के मुताबिक ऑनलाइन जो है ई नंबर कैसे चेक करते हैं ये आपको चेक करके दिखाऊँगा। तो आए चेक करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। अब मैं आपको बताता हूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो सिस्टम अपडेट किया है उसके ज़रिए आप अपना ई नंबर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले उसी तरह आपने गूगल क्रोम में जाना है, यहाँ पर लिखना है वही वेबसाइट injazit.com.sa/visa-check। जैसे आप पहले लिखते थे वैसे ही लिखना है, लेकिन इसके बाद ये देखें सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके पास ये इंजेजिट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको आपने ओपन करना है। इसी वेबसाइट में एक लिंक दिया हुआ है visa.mufa.gov.sa, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद लास्ट में देखिए इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हो क्यूरीज़, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले क्यूरी टाइप, ये आपका क्यूरी टाइप का मतलब है कि यहाँ पर आपने लिखना है वीज़ा रिक्वेस्ट ई नंबर यानी कि चेक करने के लिए यहाँ पर वीज़ा रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर पर आपने एप्लीकेशन नंबर, आपको जो ई नंबर दिया होगा वो आपने लिखना है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर यानी कि ई नंबर लिखेंगे। ई नंबर लिखने के बाद नीचे पासपोर्ट नंबर, जिसका ई नंबर होगा उसी के पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे। यहाँ पर ये पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो है कैप्चर कोड दिया हुआ है, ये कैप्चर कोड जो है इसको सेम इसी तरह लिखना है जैसे दिया हुआ है, ये हर बार चेंज होता है। और लास्ट में देखें इंक्वायरी, यहाँ पर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखें ये आपका ई नंबर ओपन हो गया है, ठीक है। ये ऊपर सबसे ऊपर देखें यहाँ पर ई नंबर होता है, नीचे ऑर्डर डेट यानी कि जिस डेट को ये ई नंबर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल होती है। तो इसको आप इस तरह ई नंबर को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ऐसे निकाल सकते हैं आप खुद ही। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड किया है, सिस्टम को अपडेट किया है, जिसकी वजह से बहुत से दोस्तों ने काफ़ी कॉल्स पर और कमेंट्स में पूछा है कि सिस्टम अब वो वैसे नहीं चल रहा जैसे पहले चेक किया जाता था। तो ये लेटेस्ट जो भी सिस्टम है उसके मुताबिक मैंने चेक करके आपको दिखाया, इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं। ये जी आपने चेक कर लिया कि ऑनलाइन ई नंबर न्यू सिस्टम के मुताबिक आप कैसे चेक करते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी हौसला मिल जाए और मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।